iPhone 16 बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। iPhone 16 की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि iPhone 16 का जो कैमरा कटआउट है वो फ्लिप्स के रेजर करके उनका जो ट्रिमर होता है उनके जैसा होने वाला है। इस तरह ओ भाई कुछ न्यूज निकल के आ रही है, थोड़ा हेटा कर दिया लेकिन इस तरह की कुछ बात है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि वर्ल्ड का पहला ट्रिमर कब लॉन्च हुआ था, पता है तो बताइए, नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। मैनुअल वाला था इसमें और इलेक्ट्रिक वाला था। मैनुअल वाला जो लॉन्च हुआ है 1855 में हुआ है और इलेक्ट्रिक वाला 1919 में हुआ है जो ब्रिटिश में हुआ। इस तरह की कुछ न्यूज निकल के आ रही है, आपको ये चीज पता था कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे टेक वॉक्स मॉर्निंग में। काफी जबरदस्त वीडियो डाल दिया है, नॉलेज के लिए जरूर देख लीजिए। आप लोग देखते नहीं और बाद में बोलते भैया कैसे होगा, तो जाइए देखिए 1.5 लाख का फोन में किस तरह का कैमरा फीचर्स मिलता है वो देख लीजिए, कैसा है नहीं है सब कुछ बताया हूं। बात करते हैं पोल की। हमने आपसे पूछा था बहुत इंटरेस्टिंग पोल के आपका जो फोन है उसका वॉलपेपर कौन सा है, तो 34% लोगों ने कहा कि डिफॉल्ट दिया गया है, 29% लोगों ने कहा कि भैया खुद का पिक है, और 19% लोगों ने कहा कि जो थीम आता है उसका पिक है। वैसे 7% लोगों ने ये भी कहा कि भैया गर्लफ्रेंड का, माँ बाप का और दूसरे लोगों का हम पिक रखते हैं। कौन है ये लोग? इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है, आप किसका पिक रखते हैं या फिर वॉलपेपर रखते हैं कमेंट में जरूर। तो चलिए पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, तो बात करते हैं ट्राई की। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है ट्राई की तरफ से। ट्राई जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर उनको ये कह रहा है कि भैया जो आधार कार्ड में नाम होता है किसी का पास भी फोन नंबर फोन जाए अननोन नंबर का तो उनका नाम उस तरह से शो होना चाहिए जो आधार कार्ड में होता है जिससे उनको पहचानने में वेरीफाई करने में आसानी होगी। इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है, आपको ये फीचर्स कैसा लगा ट्राई की तरफ से और होना भी चाहिए आपको जो भी लगता है जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है गूगल की तरफ से। गूगल बोलता हुआ इमोजी लाने वाला है, समझ रहे हो, जो बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। अभी iOS वगैरह में देखा गया है, बहुत ही जल्दी आएगा अपना एंड्रॉयड में। मतलब आप किसी को कुछ भेज रहे हैं तो वो आवाज करे, इस तरह की कुछ अपडेट है। वैसे आपके लाइफ में कौन सा सबसे ब्यूटीफुल आवाज है कमेंट में सर। अगली अपडेट आ रही है लिनोवो की तरफ से। लिनोवो ने अपना थिंक बुक ट्रांसपेरेंट करके जो है इनका लैपटॉप है MWC 2024 में लॉन्च कर दिया है जिसमें 17.3 इंच का ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले देखने को मिलता है जो काफ़ी ज़बरदस्त है। लेकिन ये जो है अभी अवेलेबल नहीं हुआ है, जब आएगा तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। वक्त होता है आपके सवाल लेने का। UK 12 का सवाल है कि भाई अगर एंड्रॉयड 14 में है तो डायरेक्टली एंड्रॉयड 12 में जा सकते हैं या फिर 13 होकर 12 में जा सकते हैं। देखिए डिपेंड करता है कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं क्या वो एंड्रॉयड 12 उसमें आया था? अगर आया था तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं, अगर नहीं आया था तो कोई ऐसा थर्ड पार्टी आपको डालना होगा जो सपोर्ट करे इस फोन को, तो इस तरह से आप जा सकते हैं लेकिन डायरेक्टली जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। अगली अपडेट आ रही है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi का पैड S6 Pro ये जो है MWC 2024 में लॉन्च कर दिया गया है। 62,000 इसकी प्राइस है। स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। 12 इंच का इसमें डिस्प्ले देखने को मिलता है जो 144 हर्ट्ज के साथ है। 50 का रियर कैमरा देखने को मिलता है और सेल्फी कैमरा जो है 20 मेगापिक्सल का आई थिंक देखने को मिलता है। इस तरह का कुछ है, आपको जो भी लगता है ज़रूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi का 14 सीरीज जो है लॉन्च हो गया है, जो Xiaomi का 14 और 14 अल्ट्रा देखने को मिल रहा है जिसमें से Xiaomi का 14 का जो डिस्प्ले है 6.3 इंच का 4K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के साथ देखने को मिलता है लेकिन अल्ट्रा में 6.7 इंच का है लेकिन सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। कैमरे के बारे में बात करते हैं, 14 में आपको 50-50-50 का रियर कैमरा और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लेकिन अल्ट्रा में एक और सेंसर बढ़ जाता है। अब वो क्यों दिया है पेरिस्कोपिक सेंसर वो आप बताइए कमेंट में। लेकिन यहाँ पर 5300 mAh की बैटरी 100 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, 89,000 का प्राइस आता है 14 का और अल्ट्रा का प्राइस आता है 1,40,000 या फिर 39,000 का, इस तरह का कुछ है। आप लेना चाहेंगे आपको कैसा लगा और इसका कैमरा क्वालिटी कैसा होगा कुछ पता है तो कमेंट में जरूर। अगली अपडेट आ रही है Xiaomi का Watch 3S, Xiaomi का Watch 2 और Xiaomi का Band 8 Pro। ये तीन चीज़ जो है MWC में लॉन्च हो चुका है जिसमें जो प्राइस निकल के आया है थोड़ा चौंकाने वाला है। जो इनका Watch S3 है ऐसा बताया जा रहा है ये 16,000 का है, दूसरा वाला जो है Watch 2 जो है 9,000 का है और इनका जो बैंड है 6,000 का है। इस तरह की न्यूज़ निकल के आ रही है। इंडिया में क्या लगता है इसकी प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए अगर आता है तो कमेंट में जरूर। अगली अपडेट आ रही है Realme की तरफ से। Realme 12 Pro Plus को Flipkart ने बेस्ट कैमरा फोन का अवार्ड दे दिया है, इस तरह की न्यूज़ निकल के आ रही है और ये सही में दिया है।
पोस्टर आप देख लीजिए। वहीं बात करते हैं अब Realme का 12 प्लस की। एक बंदा जो है इसको अनबॉक्सिंग वगैरह कर दिया है, जिसके हिसाब से पता चल रहा है इसमें आयर ब्लास्टर होगा, फ्लैट डिस्प्ले वगैरह देखने को मिलेगा और ऐसा बताया जा रहा है 6 लाख स्कैन टू डू बेंचमार्क स्कोर निकल के आ रहा है। साथ ही साथ इंडिया के BIS में ये लिस्ट हो गया है। जब आएगा तो सारी डिटेल देंगे, लेकिन इसकी प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है Realme का Narzo 50 Pro की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है Android 14 का अपडेट इसको देखने को मिलेगा। इस तरह की कुछ अपडेट है, देख सकते हैं टीजर वगैरह। आपको जो भी लगता है जरूर बताइए कमेंट। बात करते हैं सैमसंग की। सैमसंग का जो है स्मार्ट रिंग SMWC 2024 में लॉन्च होगा, सैमसंग लॉन्च करेगा, इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है। अगली अपडेट आ रही है वीवो की तरफ से। वीवो का V30 और V30 Pro ये जो है 7 मार्च को लॉन्च होगा इंडिया में। इसकी टीजर पेज वगैरह आ चुकी है। वहीं साथ ही साथ ये भी पता चल रहा है कि वीवो का V30 Lite ये जो है स्नैपड्रैगन 4th Generation 2 के साथ आएगा और इसमें जो कैमरा होगा 50:8:2 का रियर कैमरा, 16 का सेल्फी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसमें बताया जा रहा है जो ये ट्रिपल रियर कैमरा जो होगा, डिजाइन वगैरह कुछ इस तरह का है जो आप देख सकते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वही बात करते हैं वीवो का पैड 3 एक आने वाला है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि ये 12.2 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा और भी बहुत सारी चीज। जब आएगा तो आपको सारी डिटेल देंगे, लेकिन आप इंटरेस्टेड रखते हैं वीवो के पैड के लिए कमेंट में जरूर। अगली अपडेट आ रही है iQOO का Z9। ये जो है 12 मार्च को लॉन्च होगा। इसकी टीजर पेज आ चुकी है, इंडिया में आएगा Dimensity 7200 प्रोसेसर के साथ। जब आएगा तो आपको सारी डिटेल मिलेगी। अगली अपडेट आ रही है वन प्लस के तरफ से। वन प्लस का Watch 2 ये जो MWC में लॉन्च हो चुका है, जिसका प्राइस 25,000 रुपये निकल के आया है। भैया इसमें ऐसा क्या कर दिया जो 25,000 का है, पता नहीं वन प्लस का अगले ही खेल चल रहा है। लेकिन अगली अपडेट आई है मोटो की तरफ से। मोटो का ऐसा कहना है कि भैया अपकमिंग जितने भी स्मार्टफोन आएंगे इस 2024 में, उसमें गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन वगैरह देखने को मिलेगी। इन्होंने कुछ कोलेबोरेशन वगैरह किया है, आपको जो भी लगता है जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है भैया लावा का ब्लेज कर्व की तरफ से। इनका एक और टीजर आया है जो आप देख सकते हैं और यहाँ पर पूरा का पूरा डिस्प्ले नजर आ रहा है। आप लेना चाहेंगे ये फोन, अनबॉक्सिंग वगैरह चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है भैया HMD या नोकिया की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है 6 से 7 फोन लॉन्च होगा, जो जुलाई के मंथ 2024 में लॉन्च किया जाएगा। इस तरह की कुछ अपडेट है। नोकिया आप बहुत स्लो चल रहे भैया, जुलाई छोड़िए, अगर अभी लॉन्च करते हैं तो बात करिए, वरना भैया भूल जाएगा पब्लिक, कोई टेंशन की बात नहीं। आपको जो भी लगता है जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है भैया इन्फिनिक्स की तरफ से। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि इन्फिनिक्स का GT Ultra करके एक फोन आने वाला है, जिसमें Dimensity 9300 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। Antutu बेंचमार्क स्कोर जो है इसका 2.2 मिलियन आ रहा है। इस तरह की कुछ अपडेट है, जब आएगा तो आपको सारी डिटेल। अगली अपडेट आ रही है नथिंग की तरफ से। नथिंग फोन 2A ऐसा बताया जा रहा है, इसका फोन का जो फ्रेम होगा वो प्लास्टिक फ्रेम होगा। इसकी टीजर वगैरह आई है, आपको जो भी लगता है जरूर बताइए कमेंट में। तो दोस्तों मंडे था, ज्यादा टेक न्यूज नहीं था। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी सवाल है कमेंट में पूछिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।